मिनतोष कंप्यूटर है जो कि कब बना था 1984 में बना था ये इस ये इतना इको फ्रेंडली था इतना फ्रेंडली था यूज़र के लिए कह सकते हो आ, कि बहुत ही अच्छा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाई स्टैंडर्ड में बना था ये द लेटेस्ट वर्जन मैक ओ एस एक्स एज़ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल ओनली फॉर द कंप्यूटर्स मैन्युफेक्चर बाई एप्पल जो जो ये हमारा कह सकते हो मैक ओ एस एक्स है ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ उन कंप्यूटर में मिलता है जो एप्पल बनाता है लाइनेक्स लाइनेक्स इज अ पॉपुलर फ्री मल्टीटासप्रेटिंग सिस्टम जो लाइनेक्स है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फ्री मल्टीटासपरेटिंग सिस्टम है इन एडिशन टू द बेसिक ऑपरेशन सिस्टम लाइनेक्स ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो लाइनेक्स है इसके अंदर बहुत सारे फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं लाइनेक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच मींस इट्स कोड इज़ अवेलेबल फ्री और फ्री टू द पब्लिक फॉर यूज़ मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनेक्स है जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका मतलब क्या होता है जो ये सॉफ्टवेयर आप पब्लिक के यूज़ के लिए बनता है फ्री मिलता है सबके लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं और री भी कर सकते हैं इस लाइनेक्स uh, को there are many different uh, versions with different looks and features and the most popular ones includes जो Linux के बहुत सारे different looks भी हैं features भी हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा popular हैं वो है Ubuntu Mint and Fedora know the facts although an operating system often can run from a USB flash drive media in an optical drive or an एक्सटर्नल ड्राइव इन द मोस्ट केसेज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स इन साइड अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा यू एस बी फ्लैश ड्राइव से भी चला सकते हैं हम मीडिया ऑप्टिकल ड्राइव से भी चला सकते हैं एक्सटर्नल ड्राइव से लगा के भी चला सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर मोबाइल कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर हमारी कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस के अंदर ऑलरेडी होता ही है अपडेट योर नॉलेज When परचेसिंग अ प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन यू मस्ट इंश्योर दैट इट works विद द ऑपरेटिंग सिस्टम installed ऑन योर computer और मोबाइल डिवाइस जब भी आप कोई प्रोग्राम ख़रीद रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन ख़रीद रहे हो तो ऐसे प्रोग्राम और एप्लीकेशन खरीदने चाहिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है या फिर आपके मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल है वो उसमें चल सके the operating system that a computer uses sometimes is called the pl platform because applications are said to run on top of it or because the platform supports the applications आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कह सकते हो आप प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके एप्लीकेशन रन करेंगे चलेगी वो टॉप है ठीक है उसके ऊपर ही चलेगी वो चीज़ इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए विथ परचेस्ड एप्लीकेशन देर स्पेसिफिकेशन विल आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म्स और द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन विच दे विल रन जब आप कोई एप्लीकेशन ख़रीदते हैं तो उससे पता चल जाता है स्पेसिफिकेशन uh, दिया जाता है उसकी गारंटी दी जाती है कि वो प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम uh, में चल जाएगा कि नहीं चल पाएगा वो Chrome OS Chrome OS introduced by Google in a Linux based operating system designed to work primarily with web apps जो Chrome OS है वो Google ने ही introduce किया था जैसे कि Linux है वैसे ही ये भी है ये भी एक web app है Apps are available through the Chrome Web Store and data is stored on Google Drive. जो भी app चाहिए आपको वो Google Web Store Web Store में मिल जाएगी और वो data भी आपका Google Drive में save हो जाएगा। आ specialized laptop and that runs Chrome OS is called a Chromebook. जो ऐसे laptop जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ Chrome OS जो run करता है उसे Chromebook बोलते हैं and a specialised desktop that runs एंड आ स्पेशाइज डेस्कटॉप डेट रंस क्रोम ओ एस इज़ कॉल्ड आ क्रोम बुक ठीक है और जो डेस्क पे क्रोम ओ एस चलता है उसे क्रोम बुक कहा जाता है बॉक्स कहा जाता है और क्रोम बुक किसको कहा जाता है इस लैपटॉप में जो चलाता है क्रोम ओ एस उसको क्रोम बुक बोला जाता है अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आए डेस्क में चलता है क्रोम ओ एस तो उसे क्रोम बुक कहा जाता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आर सर्वर ऑपरटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिज़ाइन स्पेशली टू सपोर्ट आर नेटवर्क जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसीलिए डिज़ाइन किया जाए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि कि वो हमारी जो नेटवर्क है उसको सपोर्ट कर सके आ सर्वर ने सरवर ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली रिसाइट्स इन अ सर्वर जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखा जाए तो कहाँ रहता है वो सर्वर के अंदर ही रहता है द क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क रियरली ऑन द सर्वर्स फॉर रिसोर्स जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं एज अ रिसोर्स रिसोर्स कहा जाता है आपको सर्वर के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स वी फॉलोइंग कुछ ऐसे यहाँ पर दे रखे हैं आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर इेबल्स ऑर्गेनाइजेशनेज एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स ऑन साइट और एंड और ऑन द क्लाउड जो विंडो सर्वर बनाया गया है वो किसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है जो ये विंडो सर्वर है वो ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है जो आपकी एप्लीकेशन हो गई या फिर वेबसाइट पर कोई भी साइट आपने खोली है वो क्लाउड के ज़रिए ओएस एक्स सर्वर डेवलप बाई एप्पल जो ओ एस एक्स सर्वर है वो किसने डेवलप किया है एप्पल ने ओ एस एक्स सर्वर इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कोलेबरेट शेयर फाइल्स होस्ट वेबसाइट्स एंड मेल सर्वर्स एंड डू मच मोर ऑन मैक कंप्यूटर्स एंड आई ओ एस डिवाइज जो हमारा आई ओ एस एक्स सर्वर है वो ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को एलेबरेट जोड़ता भी है फाइल्स भी शेयर करता है वेबसाइट्स भी बना सकता है मेल भी सर्व कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है किस पे सिर्फ मैक कंप्यूटर्स और आई ओ एस डिवाइस पे ये सर्वर काम करता है यूनिक्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ मल्टी यूजर इन्वायमेंट जो हमारे यूनिक्स होता है वो कैपेबल होता है बहुत सारे हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन कह सकते हो मल्टी यूजर इन्वामेंट में काम कर सकता है एंड वर्किंग विथ मल्टीपर्पसर प्रोसेसर्स यूनिक्स इज ऑफ्टूज ऑन वेब सर्वर्स जो यूनिक्स है वो मल्टी प्रोसेसर्स कह, कह सकते हो वो काम करता है बहुत सारे काम कर सकता है मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में काम करता है ये एक की जगह सारे बहुत सारे काम कर सकता है और एक ये हमारा वेब सर्वर भी है लिनक्स बिकॉज इट प्रोवाइडर्व सिक्योर स्टेबल मल्टी यूजर इन्वायमेंट लिनिक्स ऑफिन इज़ यूज टू वेब सर्वर्स एंड ऑन सुपर कम्प्यूटर्स जो हमारे लिनक्स है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए स्टेबल होता है चाहे हम कोई भी इन्वायरमेंट में काम करें वो काम कर सकता है ठीक है इसीलिए ये हम वेब uh, सर्वर्स में या फिर सुपर कंप्यूटर्स में इसे यूज किया जाता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशंस बॉस इज एम ईजी टू यूज विजन वर्जन ऑफ लाइनेक्स डेवलप बाय सी डैक इंडिया जो हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है वो इजी टू यूज़ है बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना इस ये एक वर्जन है हमारा लाइनेक्स का और किसने डेवलप किया है ये सी डैक इंडिया ने ही